हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड क्राफ्ट विद मी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ्स के एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एज वेल। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन चेक देम। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन जो भी दिया गया है, सबसे पहले उसको हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या बोला है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब कि जो भी क्वेश्चंस में वेरिएबल है उस वेरिएबल का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए में गिवेन है 10p इज इक्वल टू 100। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल है p। ओके, तो p के साथ 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अगर हम ये वाला 10 को दूसरी तरफ मूव करें तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 100/10। ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने उसको मूव किया है, तो ये वाला मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी 0 0 कट गया है, हमारा वेरिएबल जो था पी उसका वैल्यू हमें मिल गया, क्या मिल गया, 10। ओके, तो हमारा पी इज इक्वल टू आ गया 10। एकदम सिंपल है, आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी में गिवेन है, इसको हम राइट डाउन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी इज 10p + 10 इज इक्वल टू 100। ओके, तो हम अभी क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले अच्छी तरह से देख लो। देखो यहाँ पे 10p + 10 है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले जो प्लस 10 है इसको हम मूव करेंगे दूसरी तरफ, तब वो क्या हो जाएगा, प्लस 10 है ना, उसको मूव करने से वो हो जाएगा -10। ठीक है, तो अभी 10p इज इक्वल टू आ गया हमारा 100 - 10। ठीक है, तो 10p इज इक्वल टू आ गया 100 - 10 इज इक्वल टू 90 आ गया, है ना। तो नेक्स्ट देखो, पी के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको अगर हम मूव करें दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 90/10। अभी 0 0 कट गया है एंड हमारा p इज इक्वल टू आ गया कितना, 9 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो हमारा वेरिएबल का वैल्यू कितना आ गया है, 9। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में गिवेन है p/4 = 5। इसको अभी अच्छी तरह से समझ लो, हमारा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है p/4 = 5। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो p के साथ 4 डिवाइड हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि p/4 × 5/4। ओके, हमारा 4 4 कट गया है, तो हमारा p इज इक्वल टू आ गया 5 4 20। तो हमारा p का वैल्यू कितना आ गया है, 20। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है -p/3 = 5। ओके, तो इसको हम नोट डाउन करते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन, -p/3 = 5। ओके ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सेम तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पे देखो -p/3। ओके, 3 पी के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो -p/3 × 5/3। यहाँ पे 3 3 कट गया है, तो हमारा आ गया है -p = 5 3 15। ओके, तो हमारा p इज इक्वल टू आ गया -15।
ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ओके, तो यहाँ पे गिवन है 3p upon 4 is equal 6। ओके, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। तो हमारा ई में था 3p upon 4 is equal to 6। ओके, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल है p, एंड p के साथ देखो 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 4 क्या हो रहा है, 4 हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम 4 को दूसरी तरफ लेने से क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उसको एज इट इज रख देंगे, 5p/4 × 4, ठीक है। इक्वल कितना आएगा, राइट हैंड साइड पे 6 ऑलरेडी हुई है, देन हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। यहाँ पे 4 कट गया है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5p, एंड 6 4 = 24, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो हमारा ये इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 3 8 = 24, तो हमारा आंसर आ गया p = 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोला गया है, एक बार देख लेते हैं। 3s = -9। ओके, अभी इसको हम नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 3s = -9। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो s तो हमारा वेरिएबल है, एंड s के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ मूव करेंगे, तो ये वाला मल्टीपल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3s है ऑलरेडी, देन इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, देन यहाँ पे भी हम -9 को डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे 3 हमारा कट गया है, एंड वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू s। ओके, तो 3 3 = 9, एंड s इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -3। ओके, तो 3 इज आवर आंसर, मतलब कि वेरिएबल का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया बच्चों? तो हेयर इज आवर आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।